दोस्तों आज हम आपको भुट्टे के फायदे बताएंगे और इसे कैसे प्रिजर्व करते हैं बताएंगे। हेलो दोस्तों, मसाला बीट चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आपके बीच में फिर से एक नए पौधे को लेके आए हैं और आप इस पौधे को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब रिमझिम बरसात हो रही हो, मौसम बहुत सुहाना हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने या बच्चों ने, हम सब ने किसी न किसी तरीके से इसको खाया ही है। हम इसको खाते हैं, इसे कहते हैं भुट्टा, और इसको हम खाते हैं स्टीम करके भी खाते हैं। ये देसी भुट्टा भी होता है और अमेरिकन कॉर्न भी होता है, जिसे स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने इसे भून के भी खाया है बरसात में, और जब कभी नहीं होता ना तो हमको लगता है हे भगवान, होना चाहिए हमें खाने को मिल जाए कहीं से भुट्टा, क्योंकि भुट्टा जब हम बरसात के मौसम में खाते हैं तो कुछ अलग ही टेस्ट देता है। ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत खूबियाँ भी हैं भुट्टे में। ये बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को बहुत ताकत देता है। हम तो इसे इतना खाते हैं कि हम और मोटे हो जाते हैं। तो जिन्हें दोस्तों मोटा होना है और पतले लोग हैं, उन्हें भुट्टा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा स्टार्च होता है, हमारी बॉडी को ही बनाता भी है। पतले लोगों को इसे खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिनके जो हैवी हैं शरीर से, मोटे हैं थोड़ा सा, उनको नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए उनको, लेकिन ये बहुत ताकत देता है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक छोटी सी क्यारी में भुट्टा लगाया था और जो भुट्टा हमारा पक के तैयार भी हुआ, और हमने धीमे धीमे इसको काटते चले गए, पौधे हमारे कम हो गए हैं। भुट्टे में दोस्तों मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो बच्चों को इसको जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, उन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। इसमें विटामिन बी और फॉलिक एसिड होता है, तो ये एनीमिया को भी बहुत दूर करता है। तो जिनमें खून नहीं बन रहा है दोस्तों, उनको भी इसको खाना चाहिए, और घर के बड़ों को, बच्चों को इसे ज़रूर खिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के जो दांत हैं जब इसे खाते हैं ना तो वो मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, और जो इसके अंदर का जो हिस्सा बचता है उसे हम छूचा बोलते हैं, तो उसको भी तोड़ के, जब हम सारा भुट्टा खा जाएं, तोड़ के उसकी खुशबू को सूंघना चाहिए, तो वो जुखाम में फ़ायदा करता है। और जो इसका बाकी बचा हिस्सा होता है, इसको हम जला लें अगर, और जला के इसको काला नमक लगा के खाएं इसको, तो ये खांसी में और सांस के रोगों में भी बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों इसे भुट्टा जो है वो बाधकारक कफ पित्तनाशक होता है, और इसमें कैरोटीनॉइड विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए भुट्टे में 50% एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो बढ़ती हुई उम्र को रोकता है और कैंसर से लड़ने की क्षमता, इसमें जो फॉलिक एसिड होता है वो हमें कैंसर से बचाता है, उससे लड़ने की हमें क्षमता मिलती है। और क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत होता है, ताकत बहुत होती है इसमें, तो जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं उन्हें इसे अपने आहार में शामिल ज़रूर करना चाहिए। और इस भुट्टे से हमारे सौंदर्य भी बढ़ता है, इससे बहुत हमारी जो त्वचा है वो सुंदर और चिकनी भी होती है, और भुट्टा हमारी दिल की बीमारियों को भी दूर करता है। तो दोस्तों हमने बहुत छोटी सी क्यारी में भुट्टा लगाया था, अगर आपके 50-60 पेड़ भी हैं इसमें हो जाते हैं, तो एक भुट्टे में हमारे कम से कम 3 पेड़ में 3 से 3 भुट्टा निकल आता है। तो दोस्तों हमें भुट्टा लगाना चाहिए छोटी सी क्यारी में से ही, और इसके जो भुट्टा है उसको हम कैसे सेव करते हैं वो भी हम दिखाते हैं। ये हमारा अमेरिकन कॉर्न है, हम तो कई बार भुट्टा खेत में ही खड़े होकर खा जाते हैं कच्चा, बिना ही सेके, इसको भूनते नहीं है, यूं ही खा लेते हैं, और फिर भी हमारा मन नहीं भरता है इससे। ये पौष्टिक होता है और इसे खाना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं हमने इसे कैसे प्रिजर्व किया है। देखिए दोस्तों, हमने ये स्वीट कॉर्न जो था इसको हमने भर के डब्बों में रख लिया है, इसे फ्रीज़र में रख दिया है। अब जब आपका मन हो और आपको किसी रेसिपी में आपको डालना है तो इसको निकाल के डालिए, या इसे बॉईल करिए, पिरी पिरी मसाला और नींबू के साथ खाइए। ये क्योंकि एकदम ताज़ा है तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए कुछ भुट्टे और हमारे टूट के आ गए हैं खेत में से। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए पौधे के साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।